लास्ट टाइम हम शीट नंबर 96 पे थे, इसे ओपन करना प्लीज। शीट नंबर 96, देखो इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की शीट थी, जिसमें हमने चार चीजों को डिस्कस किया। पहला, हाउ टू कैलकुलेट फोर्स, हाउ टू कैलकुलेट ई, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तीसरा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और चौथा, पोटेंशियल। ठीक, चार चीजें हैं। ठीक, तो इसको करने के लिए हमने फिर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला। इसके बाद कुछ एक दो एग्जांपल्स हम सॉल्व कर रहे थे, और उन एग्जांपल्स में जैसे ये एग्जांपल थे कि अगर आपके पास तीन मासेस हैं और आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहते हो किसके ऊपर, एम थ्री के ऊपर, तो हमने ये डिसाइड किया था कि एम थ्री के आसपास कितने मासेस हैं वो इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो एम थ्री के सराउंडिंग में एम वन और एम टू मासेस हैं, एम टू एम थ्री को अट्रैक्ट करेगा जी एम वन एम थ्री बाय 10 का स्क्वायर, और बिल्कुल वैसे ही एम टू एम थ्री को अट्रैक्ट करेगा जी एम वन एम टू एम थ्री बाय 12 का स्क्वायर। फिर बड़ी में से छोटी फोर्स को हम क्या करेंगे, माइनस, और नेट फोर्स की वैल्यू आएगी। इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद तीन मासेज हैं और ये मास है एम टू, एम टू के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है। एम टू की जो नेट फोर्स है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा कौन, एक एम थ्री और एक एम वन। एम थ्री एम टू को अट्रैक्ट करेगा और एम वन एम टू को अट्रैक्ट करेगा। हमने डिसाइड किया था कि एम थ्री एम एम वन और एम वन एम थ्री आपस में क्या फोर्स लगाएंगे हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें अगर टोटल फोर्स निकालने को कही गई है एम टू के ऊपर, हम सारे वेक्टर्स किस पे ड्रॉ करेंगे, एम टू के ऊपर। तो एम टू के सराउंडिंग मासेस इसे अट्रैक्ट करेंगे, तो एक एम थ्री एम टू को अट्रैक्ट करेगा और एक एम वन एम टू को अट्रैक्ट करेगा, और नेट फोर्स क्या होगी इन दोनों का वेक्टर सम। उसी तरीके से जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो केस है, इसमें तीन मासेस हैं और एम वन के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है। तो एम वन इज सराउंडेड बाई एम टू एंड एम थ्री, तो एम थ्री एम वन को अट्रैक्ट करेगा और एम टू भी एम वन को अट्रैक्ट करेगा। नेट फोर्स में क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आता है कि जिस मास के ऊपर नेट फोर्स निकालने को कहा गया, सारे के सारे वेक्टर उस मास के ऊपर ही लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब चेंज हो गया, अभी तक हम फोर्स निकाल रहे थे, अब हम नेट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालेंगे। करेक्शन करो, ये गलती से इलेक्ट्रिक लिख दिया मैंने, यहां पर काट के लिखो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, नेट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो ई की वैल्यू निकालनी है हमें कहां पे, एम थ्री के ऊपर। तो इसके अंदर ये एम वन एम थ्री और एम टू तीन मासेज हैं, हम एम थ्री के ऊपर ई निकालना चाहते हैं। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, जहां पर भी हमें ई निकालना है वहां पर कितना मास है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि ई के अंदर वो मास कैंसल हो जाता है, एफ अपॉन मास। तो जहां पर हमने ई निकालना है वहां जितना मास पड़ा हुआ है उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि कितना मास पड़ा हुआ है, एम थ्री की जगह प्लस वन, क्योंकि ई की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव मास। तो हम एक काम करेंगे, एम वन इस मास को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स तो नहीं बोलेंगे पर ई बोलेंगे। ई कौन लगाएगा इसके ऊपर, देखो ये तो लगाएगा नहीं खुद अपने ऊपर, ई कौन लगाएगा, एम वन लगाएगा। तो कितनी लगाएगा, जी एम वन डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर। उसी तरीके से एम टू इसके ऊपर ई लगाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में ई है। तो एम टू इसके ऊपर ई कहां लगाएगा, जी एम टू डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर। तो ई के फॉर्मूलास दोनों क्लियर हैं। नेट ई की वैल्यू में क्या होगा, बड़ी में से छोटी वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस। हालांकि मैं कह नहीं सकता इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि मासेस गिवन नहीं है मुझे, पर वैसे बता रहा हूं
लगाने तो मॉड लगा लो, मॉड का मतलब बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो वहां से आंसर आएगा। क्या ये रूल समझ में आया हाउ टू कैलकुलेट ई? सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, अगर मुझे ई निकालना है फिर से एक बार, लेकिन अब किसके ऊपर निकालना है? एम वन के ऊपर निकालना है, एम वन के ऊपर। जहां आपको ई निकालना है वहां कितना मास इमेजिन करने पड़ा हुआ है? वन। तो इसको भूल जाएंगे क्योंकि ये मास ई में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो यहां पर वन। तो ये मास इस मास को क्या करेगा? अट्रैक्ट जी एम थ्री डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर। सिमिलरली ये मास भी इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट तो जी एम टू बाई 22 का स्क्वायर। कोई कह रहा था कि M2 भी तो M3 को अट्रैक्ट करेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं क्योंकि हमारा क्वेश्चन E निकालने पे कहां पर है? M1 के ऊपर E निकालना है। हम सारे के सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करेंगे? M1 के ऊपर ड्रॉ करेंगे। क्लियर? दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, दोनों ऐड हो जाएंगे और नेट E कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट है M1, M2, M3, तीन मासेज हैं। आपको इस बार E कहां निकालना है? मास M2 के ऊपर, जहां पर M2 पड़े रादर इस पॉइंट के ऊपर। जहां पर आपको E निकालना है वहां पर कितना मास है वो E में कंट्रीब्यूट तो करेगा नहीं, तो इमेजिन कर लेते हैं यहां पर तो प्लस वन ही है, तो इसके सराउंडिंग के ऊपर जितने भी मासेज हैं वो इसके ऊपर E लगाएंगे। तो M3 इसको अट्रैक्ट करेगा जी एम थ्री बाय 12 का स्क्वायर, और M1 भी इसे अट्रैक्ट करेगा जी एम वन डिवाइडेड बाई 22 का स्क्वायर। दोनों ई सेम डायरेक्शन में, दोनों ऐड करेंगे, नेट ई कैन बी कैलकुलेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आइडिया क्लियर है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ई का। नेक्स्ट, ये सेकंड जो अभी कॉन्सेप्ट था वो ई का था। हमने पहले एग्जांपल किसके लिए? एफ के लिए। अब दूसरे एग्जांपल हमने किसके लिए? ई के लिए। तीसरा एग्जांपल हम किसका लेंगे? यू का, एनर्जी का। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट में निकलती है, अगर वो पॉइंट में चेंज कर दूं, शिफ्ट कर दूं, तो ई की वैल्यू भी शिफ्ट चेंज हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स भी आर डिस्टेंस अपार्ट एक पॉइंट पे निकलती है, जैसे एक या आपस में अट्रैक्टिव फोर्स ऐसे बोलना चाहिए। जो एनर्जी यू है, यू एनर्जी इस सिस्टम की एनर्जी मानी जाती है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां पर यू निकालो या यहां पर यू निकालो, क्योंकि यू में दोनों के दोनों मासेस इन्वॉल्व है। ये तो है नहीं कि एक मास यहां पर यू अलग लगाएगा, यहां पर अलग लगाएगा। U के अंदर दो मासेस हैं, M1 एंड M2, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10। इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में, इस पूरे सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी U सिस्टम का निकलेगा, एनर्जी सिस्टम की निकलेगी। फॉर्मूला अप्लाई करें, माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10। अगर आपको मास M1 M2 गिवन है, R गिवन है, तो यहां से एनर्जी जूल में कैन बी कैलकुलेटेड, जो कि नेगेटिव में आएगी। ये भी क्लियर है यहां तक? उसी तरीके से फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्जेस अगर क्वेश्चन में आता है। मान लो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी कितने चार्जेस की निकालनी है? तीन चार्जेस की निकालनी है। तो ये आपके पास M1 है, ये आपके पास M3 है, ये आपके पास M2 है। अगर इन तीनों चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हमें अभी तक फॉर्मूला सिर्फ दो चार्जेस की वजह से एनर्जी का पता है, माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, बस तीन का नहीं पता, क्योंकि एनर्जी स्केलर है, एड यू नहीं है, वेक्टर तो है नहीं कि वेक्टर बनेंगे। तो सिस्टम की एनर्जी ऐसे निकलेगी, आप पहले इन दो मासेस की एनर्जी निकालें बस, माइनस जी एम वन एम थ्री बाय आर वन, फिर इन दो की निकाल लें, माइनस जी एम थ्री एम टू बाय आर टू, फिर इन दो की भी तो होगी, माइनस जी एम वन एम टू बाय आर वन प्लस आर टू। ये रहा। तो तीन एनर्जीज दो दो करके निकालनी है, पहले पहला पेयर लेना है, फिर दूसरा पेयर लेना है, फिर तीसरा पेयर लेना है, तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो आइडिया क्लियर है कि अगर तीन मासेज आएंगे तो कैसे आपको एनर्जीज कैलकुलेट करनी है इसमें। उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तीन मासेज हैं M1, M2, M3, ट्राइंगल की फॉर्म में है, डिस्टेंसेज गिवन है, आपको सिस्टम की एनर्जी निकालनी है। तो पहला एनर्जी का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? माइनस जी एम वन एम टू बाई आर वन टू, दूसरा माइनस जी एम टू एम थ्री बाई आर टू थ्री, माइनस जी एम वन एम थ्री बाई आर वन थ्री। आंसर क्लियर यहां तक? तो ये भी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी इससे। अगर आपको चार मासेस गिवन है, एम वन एम टू एम थ्री और एम फोर,
अब सिस्टम की एनर्जी निकालनी है हमें, अभी भी फॉर्मूला दो ही मासेस का आता है, तो पहला एम वन एम टू माइनस जी एम वन एम टू बाई आर वन टू, दूसरा पेयर माइनस जी एम टू एम थ्री बाई आर टू थ्री, तीसरा माइनस जी एम फोर एम थ्री बाई आर थ्री फोर, नेक्स्ट माइनस जी एम वन एम फोर बाई आर वन फोर, नेक्स्ट माइनस जी एम वन एम थ्री बाई आर वन थ्री, और लास्ट माइनस जी एम टू एम फोर बाई आर टू फोर। तो छह पेयर बनेंगे, दो दो करके अगर हम लेंगे तो टोटल एनर्जी इन छह का छह सम हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम निकलेगी इसमें? ठीक, कोई डाउट इसमें? ट्रायंगल वाला थोड़ा बोलो, M1 और M2 के बीच में होगी, नहीं कर सकते? कैसे करेंगे सम इक्वल? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो थोड़ी ना कोई, ये तो एनर्जी निकल रही है लेफ्ट हैंड साइड, तो कुछ आंसर आएगा, मतलब इसका एनर्जी का सम प्लस इसका एनर्जी का सम प्लस इसका एनर्जी का सम, तो इक्वल नहीं होगा ना वो, तो ऐड ही करते जाओ जो आएगा बस आंसर है। ठीक है यहां तक? सो अभी तक हमने क्या किया, फोर्स कैसे निकली, ई कैसे निकला, यू कैसे निकला, अब लास्ट वी कैसे निकलेगा, चार चीजें हैं। अब हम पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल के अंदर हम क्या करेंगे, सपोज करो आपको एम वन एंड एम टू सेपरेटेड बाय आर गिवन है, मासेज एम वन एम टू और आर गिवन है, आपको वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल निकालना है, कहां पर? एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? रूल नंबर वन ये बोलता है कि आप पहले सिस्टम की एनर्जी निकाल लें यू, फिर इस यू को इस जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है वहां पर कितना मास है एम टू उससे क्या करें, डिवाइड करें, तो आंसर आएगा। जैसे माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर को किससे डिवाइड करें, एम टू से, तो एम टू से एम टू कैंसिल होगा, या करेक्शन करो डिवाइडेड बाई एम टू करो, डिवाइड बाई एम टू लिखो यहां पर, ये एनर्जी आ गई ना माइनस जी एम वन एम टू बाई आर एनर्जी है सिस्टम की, और यहां का मुझे पोटेंशियल निकालना है, यहां पे कितना मास है m2, इसको मास m2 से डिवाइड करेंगे, m2 m2 कैंसिल, तो आंसर आएगा माइनस जी m1 बाय r। इसका मतलब कि a पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो a का जो पोटेंशियल है वहां पर पड़े हुए मास पे डिपेंड नहीं करता, a पॉइंट का पोटेंशियल डिपेंड करेगा इसके आसपास कितने मासेस हैं वो इसके ऊपर पोटेंशियल लगाएंगे, ठीक उस तरीके से जैसे E कैलकुलेट होता है, E जहां कैलकुलेट होता है वहां का मास E कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, साथ के मासेस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही साथ के मासेस इस पे V लगाएंगे, ये खुद अपने ऊपर V नहीं लगाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसलिए ये मास कैंसिल होगा, तो यहां पर अगर आपको V निकालना है तो ये नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ये करेगा माइनस जी एम वन बाय आर, दैट्स इट। तो इट्स बेटर कि जब आपको पता है कि जहां आपको पोटेंशियल निकालना है वहां का मास मैटर ही नहीं कर रहा, तो एक काम करेंगे हम उस केस में, फिर जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है, लेट अस सपोज कहां पे निकालना है, M2 पे निकालना है, हम मान लेते हैं E की तरह कि वहां पर कितना मास पड़ा हुआ, यूनिट मास पड़ा हुआ, वहां पर मास यूनिट ही कर दो। अब पोटेंशियल का सीधा फॉर्मूला लगाओ, ये तो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, ये करेगा माइनस जी एम वन बाय आर, तो वी की सीधी वैल्यू आएगी। क्लियर है यहां तक? तो वी जहां निकलेगा वहां पर भी मास मैटर नहीं करेगा आंसर। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आपको तीन मासेस गिवन है m1 m2 m3, आपको इसमें यहां पर v निकालना है, अगर आपको यहां पे v निकालना है तो ये मास m1 इसमें v में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि जहां पर v निकालना होता है वो तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करता, आसपास के मासेस कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इमेजिन कर लेते हैं यहां पर कितना मास है, वन, तो ये मास एम टू यहां पोटेंशियल लगाएगा, कितना लगाएगा, माइनस जी एम टू बाई आर वन टू, ये भी लगाएगा माइनस जी एम थ्री बाई आर वन थ्री। एक अच्छी बात यह है कि वी तो स्केलर है, अगर वेक्टर होता फिर डायरेक्शन भी लेनी पड़नी थी, स्केलर है तो कुछ नहीं करना, एड करो आंसर। क्लियर है यहां तक? तो जो भी सराउंडिंग मासेज हैं सारे के सारे मिलके इसके ऊपर क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे।
कोई डाउट इसमें? ठीक ठीक,